हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे एसएससी सीरियल और बैंक पीओज में जो ग्रामेटिकल एरर्स की कुछ क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स होती हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। और ये एरर्स जो हैं ये एसएससी में आपका सीरियल एंड बैंक पीओ ये दो कंपटीशन में इनमें काफी कुछ पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एरर्स हैं एंड दे आर एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज के सेवरल वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियोस की स्टडी कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो एक अपलोड किया था मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पर और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस के ऊपर ये कुछ एरर्स हैं और कुछ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट से रिलेटेड है। आइए इनकी स्टडी करते हैं और जानते हैं कि इनमें वो कौन सी ग्रामेटिकल एरर्स छुपी हैं जिनको व्यूअर्स को फाइंड आउट करना है। लेट अस बिगिन व्यूअर्स। फर्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, आई शैल डू दिस वर्क व्हेन यू विल पे मी। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको टू फ्यूचर टेंसेस दिए हैं, यहां पर शैल डू दिया है, शैल डू, और यहां पर विल पे ये दिया है। व्यूअर्स, कभी भी दो फ्यूचर टेंसेस एक क्लॉज में यूज नहीं होते, और स्पेशली जब एडवर्ब क्लॉज जहां से बिगिन होती है वो टेंस जो होता है वो नॉर्मली फ्यूचर में ही यूज होता है। तो यहां पर विल को हम ये रिमूव करेंगे, व्हेन यू पे मी, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को जब करूंगा जब आप मेरे को पैसे वगैरह अदा कर देंगे। तो यहां पर ये विल जो है दिस इज रॉन्ग, ये विल यहां पर नहीं आएगा। सेकंड एरर को देखते हैं। सेकंड एरर्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, पर देखते हैं कैसे ये कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड हैव बिलीव्ड, यहां पर देखिए, यहां पर हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से रिलेटेड है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस के जो कंजंक्शंस हैं उनमें इफ जो होता है वो बेसिकली यूज होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एक कंजंक्शन अनलेस होता है और एक प्रोवाइडेड होता है और एक इफ भी होता है जो काफी कंडीशनल क्लॉजेज में यूज होता है। तो ये क्लियर कट आपके समझ में आ गया, बट आपको नाउ यू विल हैव टू डिसाइड वेदर माय सेंटेंस बिलोंग्स टू कंडीशन वन, कंडीशन टू और कंडीशन थ्री। आइए इसकी स्टडी करते हैं। आई वुड हैव बिलीव्ड, ये कंडीशन क्लियर कट शो कर रहा है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो कंडीशंस के ऊपर मैंने बनाया है उसमें देख सकते हैं, मैंने रूल उसमें बताया है कि जब भी ये वुड हैव, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पीपी, यानी कि वी थ्री फॉर्म है, अगर ये आया है तो ये समझ लीजिए कि ये कंडीशन आपकी थर्ड है, कंडीशन थर्ड है, और इसके अंदर आपको ये सेंटेंस के अंदर अगर आपको वुड हैव कहीं भी मिल गया तो, और ये सेंटेंस के अंदर रूल यहां पर ये जो वुड हैव है ये नहीं होगा, यहां पर हमें लाना पड़ेगा हैड, हैड प्लस पीपी, और उसके बाद हम यहां पर सब्जेक्ट हमारा रिपीट भी हो सकता है, उसके बाद यहां पर आएगा वुड, यहां पर ये रॉन्ग है, यहां पर ये एरर है, यहां पर आएगा वुड, या फिर हम शुड भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज हो सकता है, उसके बाद प्लस आएगा हैव और प्लस वी थ्री, ये वो रूल होता है। जैसे कि इफ शी हैड कम टू मी, यदि मैं मेरे पास आती आई वुड हैव हैड हर, तो ये वो सेंटेंस है, यहां पर आप उससे मैच कर सकते हैं। इफ आई वुड हैव बिलीव्ड, आई वुड हैव बिलीव्ड, मैं उसका विश्वास कर लेता या मैं विश्वास कर लेता, इफ आई, यानी कि यहां पर आगे स्ट्रक्चर हैड वाला, आई हैड सीन, तो यहां पर ये जो सा दिया है ये सा नहीं आएगा, इसकी जगह आ जाएगा यहां पर आपका हैड, हैड सीन,
इफ आई हैड सीन, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये वो कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन वर्ब है। थर्ड वाले में आते हैं इफ आई वर यू, ये क्लियर कट मैं बता दूं आपको कि ये कंडीशन सेकंड का सेंटेंस आ गया इफ आई वर यू, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहां पर आप यूज कर सकते हैं शुड, तो यहां पर शैल नहीं आएगा। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई शुड नेवर हेल्पिंग, तो यहां पर शैल नहीं आएगा। यहां पर ये सेंटेंस में लिख देता हूं एरर थ्री है, एरर थ्री में हम यहां पर शुड यूज करेंगे, एस एच ओ यू एल डी, यहां पर शुड यूज होगा। तो ये सेंटेंस कंडीशन सेकंड का है और इसका स्ट्रक्चर है If plus subject plus verb, फिर उसके बाद डॉट डॉट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रिपीट हो सकता है और प्लस इसमें यूज होता है would, या हम should भी यूज कर सकते हैं और प्लस वी वन, ये हमारी कंडीशन सेकेंड का स्ट्रक्चर है। फोर्थ देखते हैं नथिंग इज एज गुड एज वी थिंक, नथिंग इज As good as we think, this sentence के अंदर as good as पर ध्यान दीजिए, adverb clause of manner का sentence है और this is correct। Students आपको no error के भी sentences आते हैं, तो fourth के अंदर जो है no error है, ये sentence correct है। Correct sentences भी हमारे competition में दिए होते हैं, तो you will have to pay attention to if my sentence is correct or not। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। फिफ्थ पर आते हैं इफ यू हैव डन इट बिकॉज आई फॉरबेड यू, देखिए यू हैव डन, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया बिकॉज आई फॉरबेड यू, ये रीजन नहीं बता रहा है और आई फॉरबेड, फॉरबेड बता रहा है कि मना करना, किसी को मना करना का मतलब होता है, फॉरबेड मीन्स मना करना। अब जब किसी ने मना किया और उसने ऐसा कर दिया तो दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, दोनों कंट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गए। कंट्राडिक्टरी सेंटेंस के अंदर हम रीजन के लिए यूज करते हैं बिकॉज, ना कि किसी और चीज के लिए। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अगर आती हैं तो हम ऑल्दो का यूज करते हैं, तो सेंटेंस नंबर फिफ्थ में वर्ड बिकॉज नहीं आएगा, यहां पर आएगा ऑल्दो, दो या ऑल्दो। तो ये दो या ऑल्दो की एरर है, ना कि इसमें रीजन बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, कैरी इट केयरफुली लेस्ट इट विल ब्रेक, ये मैं आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का वीडियो है, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। कैरी इट केयरफुली, इसे ध्यान से ले जाना, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस से लिया गया है और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था ये सिक्स नंबर का सेंटेंस है। सिक्स के अंदर अगर लेस्ट आपके सेंटेंस में आता है तो पहली बात तो इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो, और इट इज फॉलोड बाय प्लस शुड, हमेशा इसके सब्जेक्ट के बाद आपका शुड ही यूज होना है। तो यहां पर ये जो दिया है विल नहीं आएगा, विल की जगह हम यहां पर शुड का यूज करेंगे, विल को हटाएंगे और यूज करेंगे शुड का। नेक्स्ट एरर देखिए, लेट अस नॉट बिहेव एज दो वी आर इंडिफरेंट टू अदर्स, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मानो कि हम दूसरे के प्रति बिल्कुल उदासीन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। एज दो जब भी आता है, एज इफ और एज दो की जो एरर होती है वो हमें ये बताती है कि ये सेंटेंस जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का है, ये सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, और इसमें अगर एज इफ या एज दो अगर आता है तो उसमें फिर आप उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करते हैं, और ये हमारी एरर है सेवन, हम यूज करते हैं वर्ब का। तो यहां पर ये दिया है, देखिए आप आर दिया है, आर नहीं आएगा, आर की जगह हम यहां पर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट एरर आती है बाय द टाइम द सनसेट्स, क्लियर कट बाय द टाइम, अगर टाइम आ गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का सेंटेंस है, एट्थ एरर के अंदर बाय द टाइम द सनसेट, जैसे ही सूर्य अस्त होगा फार्मर्स रिटर्न होम, देखिए आपका जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट में है, ये क्लॉज प्रेजेंट में और उसके बाद पास्ट में दे दी गई है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। बाय द टाइम द सनसेट्स,
जैसे ही जिस समय सूर्य अस्त हो चुका होगा तो हो जाएगा कि सेंस आएगी इसमें, यानी कि बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका स्ट्रक्चर बनेगा रिटर्न नहीं आएगा, और रिटर्न की जगह यहां पर आ जाएगा हमारा विल हैव रिटर्न, विल हैव रिटर्न, विल हैव रिटर्न आएगा यहां पर। सूर्य छिपने तक किसान घर वापस लौट चुके होंगे। नेक्स्ट रनर आती है As she is obstinate, she will not obey you. क्योंकि वह अड़ियल है, यानी कि adamant, stubborn जब होता है कोई व्यक्ति तो हम obstinate word use करते हैं। One who does not comply with the orders of others को हम इसके लिए stubborn word, obstinate, adamant word भी use होता है इसके लिए। तो इसका मतलब होता है कि जो अपनी बात से हटता नहीं है। As she is obstinate, ये adverb clause of reason का sentence है और ये हमारा nine sentence है। इसमें विल हैव रिटर्न वाला एज जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नाइन सेंटेंस जो है इसके अंदर एरर नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर है क्योंकि आपको रीजन वाला सेंटेंस में एज बिकॉज और सिंस हम यूज करते हैं। रीजन आपको शुरू में दे दिया गया है यहाँ पर, और शी विल नॉट ओबे यू एज शी इज ऑब्स्टिनेट, क्योंकि वह ऑब्स्टिनेट है यानी कि वह अपनी बात पर अड़ी है, इस वजह से वह आपकी बात को नहीं मानेगी। लास्ट एरर आती है आपकी, टेंथ एरर आती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंथ एरर में आप यहां पे देख सकते हैं द चाइल्ड इज अवे, द चाइल्ड इज अवे सिंस हिज मदर लेफ्ट। मैंने बताया था आपको कि सिंस जो है, सिंस हमें बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है और ये बताता है हमें, ये मिक्सचर होता है नाउ, बल्कि आप इसे एक बेटर वे में समझना है तो यू नीड टू पे अटेंशन, देन प्लस नाउ का मिक्सचर है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। तो यहां पर इज अवे जो है, यहां पर ये एरर है, इज अवे नहीं आएगा यहां पर, हमें परफेक्ट शो करना पड़ेगा हैज बीन, और यहां पे क्योंकि मेन वर्ब नहीं है इस वजह से पीपी फॉर्म बीन के द्वारा दर्शाई जाएगी। द चाइल्ड हैज बीन अवे सिंस हिज मदर लेफ्ट, यानी कि उसकी माँ जब से गई है, बच्चा गायब है जब से उसकी माँ गई रवाना हुई है, बच्चा हैज बीन अवे, बच्चा भी गायब है, तो यहाँ पर हम हैज बीन का यूज करेंगे। तो ये वो एरर्स हैं व्यूअर्स जो कि आपके एसएससी सीरियल के लिए बैंक्स क्लोज में ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, पर्पस, कंसेशन और कंट्रास्ट, मैनर और आपका रिजल्ट, रीजन, प्लेस, इनसे रिलेटेड जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ एरर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड यू विल हैव टू पे अटेंशन टू एज मैनी एरर्स एज यू कैन पॉसिबली डू, बिकॉज कीप इन माइंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई एनी अदर थिंग एक्सेप्ट हार्ड वर्क और परसीवरेंस, बिकॉज परसीवरेंस एंड परसिस्टेंट एटीट्यूड और अप्रोच टू योर गोल विल लीड टू योर ड्रीम, एंड योर ड्रीम इज सक्सेस, बींग सक्सेसफुल इन द कॉम्पिटिशन यू आर अप्लाइंग फॉर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो व्यूअर्स, टाइम एंड अगेन आई मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माई चैनल, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न मोर एंड मोर थ्रू माई वीडियोज। दैट्स ऑल व्यूअर्स, बाय।